आईफोन के नोट में फिर से आपका स्वागत है। यदि आप रेडमी नोट 11 एस डी एस या फिर पोकॉम 4 Pro 4G DS यूज़ करते हैं, इस डिवाइस के लिए एक नए अपडेट की रोलिंग आउट शुरू हुई थी हाइप्रोस 1.0.8.0 की, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था। और इसी अपडेट में एक सीरियस इशू चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिवाइस मेरे डिवाइस के अंदर अपडेट रिसीव हो चुका था, मैंने अपडेट भी कर लिया था। ये अपडेट 99% लोगों को जो देखने को नहीं मिला है, उसका रीज़न भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर देखिए, मेरे डिवाइस के अंदर अभी वर्जन चला है 1.0.7.0। हालांकि मेरे डिवाइस के अंदर अपडेट रिसीव हो चुका था। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, आपने अपडेट कर लिया था तो यही इश्यू आता है। जैसे मैंने डिवाइस को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद डिवाइस ऑटोमेटिकली रिबूट हो रहा था और फाइल जो है वो क्रैश हो चुकी थी। उसके बाद डिवाइस डेड हो चुका था और डेड रिपेयर करने में 2 से 3 दिन का टाइम जो मुझे लग चुका है। इसी वजह से फ्रेंड ये जो अपडेट है आप लोगों को रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि इस अपडेट को रोल बैक कर लिया गया है रिबूट इश्यू के कारण। मेरे डिवाइस के अंदर रिबूट इशू इतना ज़्यादा था कि उसके बाद रिबूट हो रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे जो इसको डाउनग्रेड करना पड़ा हाइप्रोस 1.0.7 के ऊपर। जैसे मैंने 7 के ऊपर किया, डिवाइस फाइनली वापस से रिकवर हो चुका है, फाइनली अच्छे से जो डिवाइस वर्क भी करे। सो फ्रेंड, आप लोगों को अपडेट नहीं मिला, इसके पीछे का ये रीज़न है कि अपडेट रोल बैक हो चुका है और सीरियस इश्यू था इस अपडेट के अंदर। इस अपडेट के अंदर 80% जो कस्टमर है ना, या 80% जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली रिबूट हो रहे थे। 20% का डिवाइस सही चल रहा होगा, लेकिन 80% का चल रहा था और 99% लोगों को ये मिला ही नहीं है। केवल 1-2% लोगों को ये अपडेट जो देखने को मिला था। ये कहानी थी इस अपडेट की, इस वजह से इसकी वीडियोस नहीं है। यदि ये अपडेट आपको रिसीव होता है तो आपको अपडेट नहीं करना है। हो सकता है कि आपके डिवाइस के अंदर कोई बग हो, इसकी वजह से अपडेट आपको रिसीव हो जाए। अभी देखिए रोल बैक हो चुके, मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे पास बीटा वाला अकाउंट है, उसके बाद भी देखिए अपडेट जो शो नहीं करे। इसका मतलब अपडेट जो वो रोल बैक कर लिया गया। आपको रिसीव आए तो आपको अपडेट को नहीं करना है, इग्नोर करना है आपको एक बार के लिए। जैसे ही नया अपडेट रिसीव होगा उसका मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कोई इश्यू होगा तब भी बता दूंगा, इश्यू नहीं हुआ तब भी आपको बता दूंगा। उसके बाद ही आपको अपने डिवाइस को जो अपडेट करना है। ये डेढ़ हो चुका था, इसी वजह से टाइम लग चुका है, क्योंकि इसके अंदर बहुत वही माथापच्ची करनी पड़ी है। उसके बाद जाकर ये डिवाइस जो फाइनली हमारा ऑन हो पाया, डाउनग्रेड करना वो जो इसको ना इतना आसान नहीं था। इस वजह से जो है डिवाइस में इतना ज़्यादा टाइम लग चुका है, इस वजह से क्या कि ये जो है वीडियो इतना डिले आए। सो फ्रेंड, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि ये अपडेट जो रोल बैक हो चुका आपको रिसीव नहीं होगा। यदि रिसीव होता है तब आपको डिवाइस को अपडेट नहीं करना है, अपडेट करते हो तो ये इश्यू आपके डिवाइस के अंदर आ चुका है। और मैं तो हमेशा यही बात बोलता हूँ कि भाई कोई भी अपडेट है 2-3 दिन का वेट कर लिया करो यार। मैं 2 या 3 दिन के अंदर तो वीडियो डाल ही देता हूँ और आपको बता ही देता हूँ कि क्या इश्यू आ रहा है क्या इश्यू नहीं आ रहा है। उसके बाद भी आपको जल्दी रहती है अपडेट करने की, इतना ज़्यादा कोई अपडेट के अंदर चेंज होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी पे चेंज होता है और उसके अंदर ही आप इतनी जो जल्दबाजी करते हो। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जल्दबाजी मत किया करो। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।